आइए फिर से आपका स्वागत है। गोल्स ऑफ अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। जब शराब के नशे के नशेखोर लोग जब हमारे पास में आते हैं, एडिक्शन जिनको हुआ है, अल्कोहल एडिक्शन, वो लोग जब हमारे पास में आते हैं और इलाज करो ऐसा बोलते हैं, तो हमको पूरा उसका प्लानिंग करना पड़ता है और हमको गोल सेटअप करना पड़ता है कि इसके लिए कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। सबसे पहले तो वो यदि फैमिली मेम्बर ने लाया हुआ है वो व्यक्ति को, तो फिर उनको ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है उसके बारे में उसको एड्रेस करना पड़ता है कि वो ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, और ट्रीटमेंट जरूरी है ये पहले उसको बताना पड़ता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपकी आपके शारीरिक हालत ठीक नहीं है, आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो इसके ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत सीवियर अल्कोहलिज्म है, ऐसा उसको कन्विंस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है और फिर वो तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि अल्कोहल पूरा बंद करो, कंप्लीटली स्टॉप अल्कोहल। फिर हॉस्पिटलाइज जब करते हैं तो उसको शारीरिक यदि कोई प्रॉब्लम है, बदन का प्रॉब्लम, तो उसके लिए उसका इलाज, जैसे हाथ कांपना है, नींद बिल्कुल नहीं आती शराब बंद करने के बाद में, कुछ लोगों को फिट्स आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भूख नहीं रहती, उल्टियाँ आती है, जी मचलाना चालू रहता है, दो तीन दिन से उसने खाना नहीं खाया रहता तो डिहाइड्रेशन रहता है, तो उसके लिए आईवी फ्लूइड्स दो। तो ऐसा शारीरिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, बदन में ताकत आने के लिए, बदन की स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसका ब्लड प्रेशर ठीक होने के लिए, उसका हार्ट रेट ठीक होने के लिए उसको इलाज करना पड़ता है। तो वो हो गया नेक्स्ट आइटम। तीसरा आइटम हमको देखना पड़ता है कि उनकी मानसिक स्थिति बराबर है कि नहीं। तो मानसिक में नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, फिर अलग अलग भ्रम होना कि कोई आ रहा, कोई मार रहा है, कोई पकड़ रहा है, कान में आवाज़ आती है, आते हैं, आँखों से कोई दिखाई देता है, कोई कीड़े घूम रहे ऐसा दिखाई देता है, लोग आ रहे ऐसा दिखाई देता है, तो ऐसे जो भ्रम है, चमड़ी के भ्रम, आँखों के भ्रम, कान के भ्रम, या फिर ऐसा कोई कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, डिल्यूजन्स, थॉट डिसऑर्डर, तो उसका इलाज करना पड़ता है, उसके लिए दवाई और इंजेक्शन देने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट है कि उसको प्रेरित करना, वो एक बार सेटल हो गया तो हमारा नेक्स्ट आइटम क्या रहता है कि उसको प्रेरित करो कि भाई वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए वो तैयार हो जाए, उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाए, तो वो भी और उसके रिलेटिव्स को भी प्रेरित करना पड़ता है कि उसने, ये एक बीमारी है अल्कोहल एडिक्शन और ये बीमारी का इलाज करना पड़ता है और ये ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी है, ऐसा उसको प्रेरित करना पड़ता है। फिर मानसिक और शारीरिक बीमारी जो है उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब क्या है, उसको डायबिटीज़ अभी तक मालूम नहीं था, अभी मालूम हो गया डायबिटीज़ है, शराब बंद करने के बाद में उसको फिट्स आना चालू होता है और वो कंटिन्यू रहता है तो उसका इलाज करो, या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, हाइपरटेंशन है तो उसका इलाज करो, या और भी कोई शारीरिक बीमारी उसका भी प्लानिंग करो और उसका इलाज करो, क्योंकि अभी तक शराब के नशे में उसको शारीरिक बीमारी है मालूम ही नहीं पड़ता था, वो वैसे चलाता था। तो लीवर कितना ख़राब है, पेट कितना ख़राब है, गैस्ट्राइटिस हो चुका है क्या, मतलब ऐसे पूरा प्लानिंग शारीरिक और मानसिक बीमारी का करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट उसको ये साइकोथेरेपी में चर्चा करना पड़ता है कि भाई उसकी घर की कंडीशन जो है वो बदलनी पड़ेगी क्या, उसका घर बदलना पड़ेगा क्या, जो सोसाइटी में जो लोगों में रहता है वो बदलना पड़ेगा क्या, उसके बारे में चर्चा, जॉब ऐसा कुछ है क्या कि जो जॉब में उसको शराब इजीली अवेलेबल है, जैसा कोई शराब की दुकान में नौकरी कर रहा है, रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहा है, बार में नौकरी कर रहा है, या ऐसे कोई डिपार्टमेंट के जहाँ सब लोग शराबी पीते रहते हैं वहाँ नौकरी कर रहा है उनके साथ में, तो वो देखना पड़ेगा, वो बदलने के लिए बोलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है उसकी फैमिली मीटिंग, फैमिली साइकोथेरेपी, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि फैमिली के लोग उसको बार बार चिढ़ाते रहते हैं, उसको टोकते रहते हैं, जैसा वो पीके भी नहीं आया तो भी उसकी मिसेस, उसकी वाइफ उसको बोलेंगे आज पीके शायद आए होंगे आप, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसके घर को, घर के लोगों को सपोर्टिव वो कैसे बनेंगे इसके लिए, ना उसको चिढ़ाएंगे, ना उसको गलत ठहराएंगे, ना उसको ऐसा कुछ उसकी छिड़खानी करेंगे कि वो फिर जाके शराब पिएगा, तो उनका सपोर्ट लेना जरूरी है, फैमिली मेम्बर्स का, उनकी फैमिली मीटिंग, फैमिली थेरेपी। फिर यदि वो पहले वाला काम नहीं कर सकता है, समझो हमने बोला कि पहले वाला जॉब छोड़ दो, वो ठीक नहीं है आपकी कंपनी, वो जॉब ठीक नहीं है, उसको नया जॉब सिखाना पड़ेगा, तो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग उसकी ठीक करने के लिए चर्चा करनी पड़ती है, उसको नया ऑक्यूपेशन ढूंढने के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम जो एवर्शन ट्रीटमेंट देते हैं, तो एवर्शन ट्रीटमेंट में डायसल्फिराम देते हैं, या डायसल्फिराम के इंजेक्शन से, या डायसल्फिराम इम्प्लांट से। इम्प्लांट मतलब चमड़ी को एक कट मार के उसके नीचे गोली रख देना, उसका असर 3 से 6 महीने चलता है, फिर रोज़ रोज़ गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चमड़ी के नीचे रखते हैं पैर में या कमर में।
इंजेक्शन देते हैं डायसल्फिराम का लॉन्ग एक्टिंग, जिसमें 1 से 3 महीने तक इंजेक्शन का असर रहता है, या फिर जो लोग उसको एफोर्ड नहीं करते उनको गोली सवेरे शाम डायसल्फिराम की देती है देते हैं, वो एवर्शन है, क्योंकि गोली के ऊपर यदि शराब पिया तो उसको बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आ सकती है, उल्टियाँ होना, ब्लड प्रेशर बहुत कम होना या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, घबराहट होना, आँख खुजाना, लाल हो जाना, टेम्परेचर चढ़ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और वो जो उसकी रिएक्शन जाती है वो रिएक्शन के डर के मारे फिर वो शराब पीता नहीं है। एवर्शन ट्रीटमेंट 1 साल करना जरूरी है। इसके साथ साथ अल्कोहलिक एनोनिमस के जो ग्रुप्स है जिसमें 12 स्टेप्स दी हुई है, तो वो 12 स्टेप का पालन करना, अल्कोहलिक के जो ग्रुप है उसमें उसको जाने के लिए सपोर्ट करना, उसमें जाना चाहिए और कम से कम 1 साल तक उसने इलाज करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि वंस एन अल्कोहलिक इज़ ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार अल्कोहल लिया इसका मतलब अल्कोहलिज्म है, और अल्कोहल की बीमारी इसका मतलब वो ज़िंदगी भर अल्कोहलिक है। जैसा डायबिटीज़ का है कि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो ज़िंदगी भर आपको डायबिटीज़ की दवाई खानी पड़ेगी, वैसे ही अल्कोहल का है, कभी भी उसका पैर फिसल जा सकता है, कभी भी वो फिर से चालू कर देता है। होली है, धूल मिट्टी है, या फिर और कोई शादियाँ हैं, या और कोई पूजा पाठ है जिसमें लोग शराब पीते रहते हैं, ऐसे कोई ऑकेजन्स रिलीजियस भी है कि जिसमें लोग शराब पीते हैं, तो उसमें फिर वो चालू कर सकता है। इसलिए हरदम सतर्क रहना कि भाई वो शराब ना पिए। तो इस तरह से उसका प्लानिंग हम करते हैं तो लोग अल्कोहल से मुक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आपका भी पार्टनरशिप, हमको आपका पार्टनरशिप हमको चाहिए। आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, इलाज लेंगे, अपने भी जगह पर डॉक्टर के पास में इलाज करेंगे, और व्यसन मुक्त भारत हमारा जो सपना है उसमें आपकी भी, आपका भी हाथ लग जाएगा, आपकी भी पार्टनरशिप हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।